लाहौर सेशन अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत। अदालत ने मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, भाई रासिक इलाही समेत दीगर की उबूरी जमानतें मंजूर कर ली। समाअत की तफसीलात जानेंगे आबिद खान से। आबिद बताएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल जी, लाहौर की सेशन अदालत में आज FIA की जानिब से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है उसमें चौधरी मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, भाई रासिक इलाही और उनकी भाभी जारा इलाही की अबूरी जमानत की समाअत हुई और अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मचौलकों के एवज 14 फरवरी तक तीनों मुलजमान की जो है वो अबूरी जमानत मंजूर कर लिया है और FIA को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने FIA से तमाम तर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर लिया है। मुलजमान के वकील अमजद परवेश की जानब से अदालत को यह बताया गया था कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं। FIA ने वफाकी हुकूमत की इमा पर यह मुकदमा दर्ज किया और घरेलू खवातीन को भी इसमें मुलविस किया, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे ताकि वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करे। अब अदालत ने 14 फरवरी तक ये जमानतें मंजूर कर लिया बुरी और उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया, जबकि साथ साथ तफ्तीशी से पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी ठीक है, आबिद खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।